एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं भिड़ासवा मीडिया पे, कुछ तेज तरार पत्रकारों के इंटरव्यू का, चैनल हेड के इंटरव्यू का, मीडिया इंडस्ट्री के कुछ जाने माने लोगों के इंटरव्यू का। शुरुआत हम लोग करते हैं प्रसून शुक्ला जी से, जो न्यूज एक्सप्रेस चैनल साईं प्रसाद मीडिया का है, उसके आप जो है हाल में काफ़ी बड़े पद पर बिठाए गए हैं, एडिटर न्यूज ऑपरेशंस। प्रसून जी, आपको शुभकामनाएं, बधाई इस पद के लिए। और कैसे, मतलब आप यहाँ पे शायद पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर के रूप में आए थे जी, और अचानक आप एडिटर ऑपरेशंस, इस यात्रा कैसे, इतनी सफलता पाई आपने जो है? आपको मैं बताऊँ, मैं इससे पहले मैजिक टीवी में था, चैनल हेड के तौर पे। इससे पहले भी मैं सहारा में काम कर चुका हूँ, उससे पहले जी न्यूज में था। लेकिन जब मैजिक टीवी से यहाँ आ रहा था तो निशान जी ने मुझे इस चैनल में लाया, मुझे अवसर दिया कि यहाँ काम करने के लिए। उन्होंने जिस तरीके से मुझे बुलाया, मैं उनका तहे दिल से आभारी भी हूँ। उन्होंने कहा, प्रसून जी, आपको नए तरीके से चैलेंज लेना है, जहाँ आपको अभी केबिन छोड़ के फील्ड में जाना होगा और चीज़ों को, न्यूज एक्सप्रेस को एक मॉडल बनाना होगा कि कहाँ आप नए तरीके से कर रहे हैं। मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि केबिन से निकल के बाहर सड़क पे फिर रिपोर्टर के तौर। मैजिक टीवी में चैनल हेड थे और यहाँ पे आप रिपोर्टिंग में, एक तरह से मतलब हाँ, फील्ड रिपोर्टिंग में भी मैं करने लगा। तो एक चैलेंज था, मैंने एक्सेप्ट किया, उसको बड़ी बखूबी से निभाया भी, जिसका मुझे फायदा भी मिला। यहाँ आने के बाद राजनीतिक इंटरव्यूज लिए, एक दिन में 5 मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू लिया, जो शायद यहाँ इससे पहले नहीं हुआ था कभी। उसके अलावा तमाम रिपोर्टें फाइल की मैंने, 2-2 चुनाव हिमाचल का कवर किया, गुजरात का चुनाव कवर किया। और आपको बताऊँ कि इतना अच्छा अनुभव रहा मेरा, और चैनल के लिए भी अच्छा अनुभव रहा, कि जो ब्रेकिंग हम लोगों ने मोदी के बारे में दी या चुनाव के बारे में दी, वो आज सच्चाई उस सामने आ रही है जी। तो मिला कि आपकी जो मेहनत है, कार्यकुशलता है, कंटेंट को लेकर एडिटोरियली जो है, उसके चलते आपको प्रमोट किया गया जी। मैं आपको बताऊं कि कंटेंट के बारे में, न्यूज चैनल पे जो भी कंटेंट चल रहा है उसके लिए किसी भी आदमी को अगर क्रेडिट दे सकते हैं तो निशान चतुर्वेदी जी को, जो चैनल हेड है, उनको दे सकते हैं। जो उनकी बीच में चर्चा थी कि आपकी भूमिका अब निशान चतुर्वेदी के पैरेलल, चैनल हेड के पैरेलल हो चुकी है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, जो आप मेरी नई भूमिका देख रहे हैं उसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी नई भूमिका तब बनाई गई जब 4 चैनल और आने वाले थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड के चैनल 2 और आने वाले हैं, जो लूप में हैं। तो जब चैनलों के शायद यशवंत विनोद जी लाए गए हैं किसी एक चैनल के लिए, आपके ग्रुप के जी, महाराष्ट्र चैनल के लिए वो संपादक बनाए गए हैं, और एसपी त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश के संपादक बनाए गए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के। यशवंत विनोद जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं इंडस्ट्री के, वो आपके यहाँ एक चैनल के हेड के बतौर महाराष्ट्र में है, तो ये इतने वरिष्ठ लोग, आप भी एक पावरफुल भूमिका में हैं, निशान जी भी हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि पावर सेंटर्स अलग अलग हो गए हो, इससे कोई दिक्कत पैदा हो रही हो, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि चैनल के लिहाज से बहुत अच्छी चीज है कि तमाम बड़े नाम हमारे साथ जुड़े, उसमें सबसे बड़ा नाम वेद प्रकाश प्रताप जी, वैदिक जी का है। वैदिक जी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने जब जुड़ने की मनसा जताई तो मैंने उनका तहे दिल से स्वागत किया। प्रबंधन से मैंने बात की उनको जोड़ने के लिए, प्रबंधन ने भी उनका खुले दिल से स्वागत किया। और आपको मैं बताऊं कि ये लोग कभी भी लायबिलिटी नहीं होते हैं, इनके जो अच्छे अनुभव होते हैं वो चैनल के काम में आते हैं। इतने बड़े नाम हैं तो आपको मालूम होगा कि इससे चैनल को भी फायदा होता है। इन लोगों को जोड़ने में, चैनल से जोड़ने में आपकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, क्या ऐसा सही है? जी, इसके लिए मुझे चैनल प्रबंधन ने नियुक्त किया था कि आप इन लोगों को जोड़िए अपने साथ। तो इन लोगों को मैंने जोड़ा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रबंधन का भी अनुभव इनके साथ अच्छा रहा, इनका भी अनुभव प्रबंधन के साथ। आगे किन बड़े बड़े लोगों को जोड़ने जा रहे हैं आप चैनल से? जी, मुझे लगता है कि अभी नए लोगों को जोड़ने वाली सिलसिला खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक कंटेंट पे काम कर रहे हैं जिसकी बागडोर निशान चतुर्वेदी जी के हाथ में है, और जो चैनल के लॉन्च होने वाले कहां के हैं बेसिकली, मूल तौर पे आप निवासी कहां के हैं? जी, मैं आपको मैं बताऊं, बोहेमियन कल्चर, बंजारा संस्कृति जानते होंगे, उस तरीके का मैं उस परिवेश से निकला आदमी हूँ। हालांकि मेरा गांव पड़ता है गोरखपुर के सियापार में, मेरी थोड़ी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो बस्ती में हुई, फिर मैं लखनऊ आ गया, ग्रेजुएशन वहाँ से हुआ मेरा, इलाहाबाद 1 साल रहा, उसके बाद मैं दिल्ली चला आया। मेरे जीवन पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो विचारधाराओं का था, सबाल्टर्न, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म, ये सारी चीज़ें मैंने एमए जामिया से किया, वहाँ प्रभाव पड़ा। मैं आपको बताऊँ, वहीं से मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया, वहीं से पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स का कोर्स भी किया मैंने, एमए भी वहीं से किया। लेकिन जो विचारधाराओं के साथ आम आदमी के ऊपर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उस कैसे अपने आप को लड़ता है, विचारधाराओं ने मुझे बड़ा प्रेरित किया,
और मुझे लगा कि अब अगर मैं कहीं अपनी सही भूमिका निभा सकता हूँ और अपनी कार्य क्षमता को देखते हुए तो पत्रकारिता ही सही फील्ड होगी। आजकल जो नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं मीडिया में उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप यंग काफी हैं और प्रबंधन और कंटेंट से लेके हर फील्ड में आपने काफी अनुभव और ऊंचाई हासिल की है, तो नए लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि जो नए लड़के आते हैं वो पत्रकारिता की पढ़ाई करके आते हैं, उन्हें व्यावहारिक अनुभव नहीं होता है, तो आप उनसे क्या ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि वो सीख सके। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए लोगों से मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आइए तो गहन अनुभव करें। जैसे एक आदमी आईएएस बनना चाहता है तो पहले ईगो लेके ना आए, जो मेरे ख्याल से एक बड़ी दिक्कत है हिंदी बेल्ट के लोगों की, ईगो लेके आते हैं, अहम लेके आते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं कि ये अहम उनका पहले दिन ही पत्रकार न्यूज रूम में घुसते ही वो ध्वस्त हो जाता है और अहम लेके न्यूज रूम में आप काम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, वैचारिक दृष्टि से वो समृद्ध होने चाहिए, उसके लिए उनको आइडियोलॉजी पे भी पढ़ाई करनी चाहिए जो विचारधाराओं को लेके, ताकि उनमें वो डेप्थ आए, उस सतही ज्ञान ना रहे विचारधाराओं को लेके या आम आदमी की सोच को लेके। अगर आम आदमी के प्रति आपकी संवेदनशीलता नहीं है तो आप पत्रकारिता में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपके शौक क्या है, आप मतलब जो है खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की, मैं नौकरी कहता हूं पत्रकारिता इसलिए नहीं कहता हूं कि तमाम तरह की चीजें होती हैं जहां आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी, पत्रकारिता के जो वास्तविक मूल्य थे अब उसमें काफी बदलाव आ चुके हैं। और अपने आपको अगर आपको खासकर बड़े पदों में बैठे लोगों को हर तरह बड़े पदों पे नहीं, मैं आपको बताऊं कि छोटे से लेकर बड़े तक में पत्रकारिता अपनी सीमाओं को लांग चुका है। नए दौर में नए चैलेंज है, तो उसको आप ये कहेंगे कि पुराने दौर की पत्रकारिता को ही जीवित रख सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है वो भी अप टू द मार्क थी। बिल्कुल, हम लोग बात में कभी विस्तार से बात करेंगे, फिलहाल हम लोग आपके जो है शौक पैशन के बारे में कि आप खाली समय में क्या पसंद करते हैं, फिल्म, साहित्य या किताबें या कोई। मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बता रहा था कि मैं पिछले 13-14 सालों से काम कर रहा हूं, कभी भी मेरा ऐसा नहीं रहा कि मैं एक दिन भी खाली बैठा रहा हूं। तो मेरे ऊपर काम का अच्छा दबाव होता है और मैं जब खाली समय पाता हूं तो आपको ईमानदारी बताऊं मुझे सोना बहुत पसंद है। क्या बात, लेकिन ये भी शौक मेरा पूरा नहीं पता है, मेरी बेटी आ गई है तो मुझे अब सोना और अपनी बेटी के साथ खेलना ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। चलिए प्रशांत जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम लोग फिर ये बातचीत आगे भी करते रहेंगे। और आखिर में चाहूंगा कि जो है आप भड़ासवा मीडिया के लिए कुछ बताएं, मतलब कैसा लगता है आपको ये जो पोर्टल है, ये प्रयोग है? जी, मैं आपको बता दूं कि अपने तरीके का यह अभिनव प्रयोग है, आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने सफलतापूर्वक चलाया। मैं उस समय को भी देखा हूं जब आप तमाम दबाव के बीच में आपको रोज धमकियां मिलती थी, अब तो शायद कम मिलती है, लेकिन जब आप शुरुआती दौर में आपको धमकियां भी मिलती रही उसके बाद भी आप डटे रहे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो नए प्रयोग करना चाहते हैं, कि उनको डट के मुकाबला करना चाहिए तमाम विरोधों का, तमाम मुश्किलों का, तभी वो सफल हो सकते हैं, चाहे वो पत्रकारिता की फील्ड हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।